आई होप अभी तक हमने जितना भी ओजोन के बारे में पढ़ा है वो सारा कुछ आपको क्लियर है तो चलिए उसके बेसिस पे एक कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन कहता है इंक्रीजिंग स्किन कैंसर इन हाई म्यूटेशन रेट आर द रिजल्ट ऑफ मतलब कि स्किन कैंसर और हाई म्यूटेशन रेट जो बढ़ा है वो किसका रिजल्ट है तो आपके ऑप्शन हैं ओजोन डिप्लीशन ऑप्शन बी सीओ ओ पोल्यूशन कार्बन मोनोक्साइड पोल्यूशन ऑप्शन सी एसिड रेन या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव आप इस क्वेश्चन को दोबारा अच्छे से पढ़ें और आपको जो भी लगता है इसका करेक्ट ऑप्शन है उसको अपनी कॉपी में लिख लें इसके बाद हम इसके आंसर को चेक करके डिस्कस करेंगे सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन आई होप आप सबने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है तो चलिए इसके आंसर को चेक कर लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ओजोन डिप्लीशन हमने ये देखा था कि जो ओजोन लेयर है वो शील्ड की तरह एक्ट करती है कौन सी वाली ओजोन लेयर यहाँ पर गुड ओजोन की बात हो रही है जो स्ट्रेटोसफियर में प्रेजेंट है तो वो शील्ड की तरह एक्ट कर रही है और मोस्ट ऑफ़ द यूवी वी रेडिएशन अल्ट्रा रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेती है जो सन से आती है और यही यूवी वी रेडिएशन अगर हमारे तक पहुंच जाए तो बहुत ही ज्यादा इंजूरियस होती हैं और वो स्किन कैंसर या हाई म्यूटेशन रेट को कॉज कर सकते हैं इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ओजोन डिप्लीशन